दोस्तों, इस कोरोना के दौर में हम सभी को मेडिकल सुविधाओं की और एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच में क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे पहले एम्बुलेंस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हम इसी बात को जानने वाले हैं कि दुनिया में सबसे पहले एम्बुलेंस की खोज किसने की। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एम्बुलेंस की खोज डोमिनिक जीन लैरी नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। और दोस्तों, 1830 के दशक में इसे परिचालन में लाया गया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगति होने के कारण स्वयंचलित एम्बुलेंस की खोज हुई। और दोस्तों, डोमिनिक जीन लैरी ने जिन्होंने एम्बुलेंस की खोज की थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो फ्रांस के बड़े योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट के मुख्य चिकित्सक थे। और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए युद्ध में एम्बुलेंस का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।